हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक की पूरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपका खाने का मन हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, डिनर में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसे रेडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सॉफ्ट पालक लिया है गार्डन से। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, अभी ये एकदम छोटे छोटे वाले पालक हैं और ये एकदम फ्रेश हैं। हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो सके। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप पूरी बनाएंगे ना, जो लोग पालक नहीं पसंद करते हैं, पालक नहीं खाते हैं, वो लोग भी पूरियाँ मांग मांग कर खाएंगे। इतना टेस्टी ये पालक की नमकीन पूरी होती है। इस तरीके से इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर हमने सारे पालक को कट कर लिया है। अब हम इसमें ले रहे हैं दो तीखी वाली हरी मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियाँ। ग्राइंडर जार लेंगे, इन सारे पत्तों को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसमें लहसुन हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं और यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक चम्मच के करीब ज़ीरा। इसे फ्लेवर इसमें ज़ीरा का ना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक एकदम पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बर्तन में गेहूं का आटा, हमने लिया है एक कटोरी। हम ले रहे हैं यहाँ पर चने का बेसन और हम यहाँ पर लिए हैं आधी कटोरी के करीब चावल का आटा। हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे से ही सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने से ना बहुत ही टेस्टी हमारी पूरी बन करके रेडी होती है। तो हम इसमें अब डाल रहे हैं अजवाइन क्रश करके, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। हम डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए ताकि हमारी पूरी एकदम खस्ता बन करके रेडी हो। अब इसे हम अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर देंगे आटे के अंदर ऑयल को। हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब जो हमने पालक हरी मिर्ची लहसुन और जीरे का पेस्ट बना करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने इसमें अदरक ग्राइंड नहीं किया है, बच्चों को अदरक नहीं पसंद है, इसलिए हम इसे स्किप कर दिए हैं। हमने यहाँ पर आटा लगा कर रेडी कर लिया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो हल्का सा आप डाल करके आटा, रोटी जैसा आटा आप लगा करके रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने आटा लगा लिया है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। चकला बेलन लेंगे, हम यहाँ पर सूखे आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑयल लगाएंगे, हाथ में रिफाइंड ऑयल लिए हैं और इस तरीके से लोई को हम थोड़ा बड़ा बड़ा ही तोड़ेंगे और इसे मोटा मोटा हम बेलेंगे। हम यहाँ पर सूखा आटा नहीं लगा रहे हैं, आप चाहें तो सूखा आटा लगा सकते हैं। सूखा आटा लगाने से ना पूरी ऊपर से वाइट वाइट सी हो जाती है, ये जो इसका ग्रीन कलर है ना वो थोड़ा डाउन सा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। और इसे तलते समय ना आटा वो जो है सूखा आटा और ऑयल में जाके थोड़ा बहुत निकलता है, तो इससे ऑयल भी हमारा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर इसे ना दो फायदे होते हैं ऑयल लगाकर पूरी बेलने से, एक तो हमारी पूरी एकदम ग्रीन ग्रीन सी रहेगी और दूसरा जब हम इसे तलेंगे तो ऑयल भी हमारा एकदम फ्रेश रहेगा, वो गंदा नहीं होगा, उसमें सूखे आटे का पाउडर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर गिलास से इसे कटिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे एक एक करके छोटा छोटा पूरी आप बेल सकते हैं। हम सुबह सुबह बना रहे हैं, सुबह सुबह आप जानते ही हैं कितनी भाग दौड़ होती है, बच्चों को तैयार करना, लंच बॉक्स बनाना, उन्हें रेडी करना, तो टाइम बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से काम कर रहे हैं, हम जल्दी से बनने वाला आइडिया यहाँ पर लगाए हैं।
आप अपने तरीके से इसे बना सकते हैं, एक एक करके भी बेल सकते हैं, या फिर ये तरीका भी आप ट्राई कर सकते हैं। इससे ना फटाफट से पूरी हमारी बन करके रेडी हो जाती है। एक बार में हम एक साथ 3-4 पूरियाँ बना करके रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक साथ 5-6 पूरी बना करके रेडी किया है। तो आपको जो भी तरीका सही लगे आप फटाफट से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरियों को बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। साइड में हमने ऑयल भी रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे, एक एक करके पूरियों को डालते जाएंगे और फटाफट से इन्हें हम तल लेंगे। पूरी तलने के लिए हमें मीडियम गर्म ऑयल में इसे फ्राई करना है, मीडियम हाई फ्लेम पर। आप तलेंगे ना फटाफट से, आप देखेंगे सारी पूरियां तैर कर ऊपर आ जाएंगी, एकदम फुली फुली सी पूरियां बन करके रेडी होंगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी ये पूरियां बन करके रेडी हुई हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं ये, एकदम करारी सी बनी हुई हैं, एकदम खस्ता। तो फ्रेंड्स आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम सारी पूरियों को तल लेते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, फटाफट से ये बन भी जाती है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और ये पालक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इसे ज़रूर खाएं, आप कभी भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं, बहुत ही खस्ता ये पूरी बन करके रेडी हुई है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप दही के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब